तो जो बंदे एमएक्स टकाटा और मौज एप्लीकेशन के क्रिएटर हैं, यूजर हैं, तो उनको ये बात पता होगी कि एमएक्स टकाटा और मौज एप्लीकेशन आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो अब आपको एक एमएफसी, आपको एक फॉर्म अप्लाई करने को आता है, उस अप्लाई करने के बाद आप मौज एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाओगे, ये अपडेट आया है। तो अब आपको उस एमएफसी आपको कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएक्स टकाटा पर एमएफसी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उस फॉर्म को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एनी प्रॉब्लम डीएम ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो हमारे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको मौज एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर चले जाना है। प्रोफाइल पर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएटर टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर मौज फोर क्रिएटर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, मौज बना हिट हो जा, ओके। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नाउ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको विच कैटेगरी क्रिएटर यू आर, तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी के क्रिएटर हैं, आप कैसी वीडियो मौज पर यहाँ या एमएक्स टकाटक पर आप बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। मीन्स यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं एक्टिंग चूज कर लेता हूँ, तो आप इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है वो चूज़ हो गई। अब इस पर आपको क्या करना है, कंप्लीट मौज प्रोफाइल। तो यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मौज एप्लीकेशन है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपकी चेंज हो जाएगी तो उस पर आपको कैसी प्रोफाइल रखना है, जैसी पहले थी, या आपको न्यू यूजर बनना है, तो आपको यहाँ पर पहले से ही कर देना है कि मेरी पहली बारी आईडी ही रहेगी। तो इसको कंफर्म करने के बाद हमारा सेकंड है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है, उस जो थर्ड है, क्रिएट फाइव मोर वीडियोज़, आपको यहाँ पर फाइव वीडियो बनाना है, बना के इस आपको अपलोड करना है, तभी ये टास्क कंप्लीट होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग सोर्स होने लगी है, तो यू आर गुड टू। तो अब यहाँ पर आपको एक पांच वीडियो शूट कर लेनी है, और फटाफट से यहाँ पर अपलोड कर देनी है, तो ये हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सिंपली से अपन कोई से भी वीडियो यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, क्या आप यहाँ पर कोई सी वीडियो डालो तो बहुत जल्दी यहाँ पर व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने पांच वीडियो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं, एक हमारी जो वीडियो है वो रह गई है, अभी कंप्लीट होने वाली है, तो आप भी जल्दी से जल्दी कर लो। फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस पर आपको राइट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, सबमिटेड, दैट वॉज ईजी, योर प्रोफाइल इज, ठीक है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू के लिए चली गई है, और 14 यानी 14 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।